कंग्रेचुलेशन आपके शो को लोग पसंद कर रहे हैं न्यू शो क्या कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आई एम रियली एंजॉयिंग प्लेइंग दिस कैरेक्टर अरमान ओबेरॉय मुंह से चल किए जाए में बिकॉज थोड़ा चैलेंजिंग है थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा उसमें नोटोरियस हरकतें करता है थोड़ी ग्रे सिचुएशंस भी होती हैं तो आई एम एंजॉयिंग इट एज एन एक्टर इट इज़ वेरी सैटिस्फाइंग हाँ एक नॉमिनेशन है मेरा बेस्ट एक्टर के लिए आपकी नज़रों ने समझा मैंने जो शो किया था लेट्स सी इतने सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं तो उनके अंदर इतने सारे नॉमिनेशन हैं आई होप जो भी बेस्ट है उसे अवार्ड मिले अच्छा रिएक्शन मिल रहा है जो चैलेंजिंग रोल मैं कर रहा हूँ उसके लिए जिस तरह का मैंने एक्सपेक्ट किया था रिएक्शन लोगों का तो उस हिसाब से अच्छा मिल रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग दे आर कमेंटिंग ऑन द स्टाइल स्वैग एंड इट्स नाइस इट फील्स गुड दैट जो करना था वो अचीव हो रहा है फैन से यही कहना चाहूँगा कि पिछले इतने सालों में बहुत सारा प्यार दिया है आगे भी देते रहें और मेरा शो है मुँह से छल किए जाए उसे देखें हिट बनाए आई रियली एंजॉयिंग प्लेइंग दिस कैरेक्टर अरमान ओबेरॉय मुँह से छल किए जाए में बिकॉज थोड़ा चैलेंजिंग है थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा उसमें नोटोरियस हरकतें करता है थोड़ी ग्रे सिचुएशंस भी होती हैं तो आई एम एंजॉयिंग इट एज एन एक्टर इट इज़ वेरी सैटिस्फाइंग हाँ एक नॉमिनेशन है मेरा बेस्ट एक्टर के लिए आपकी नज़रों ने समझा मैंने जो शो किया था लेट्स सी इतने सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं तो उनके अंदर इतने सारे नॉमिनेशन हैं आई होप जो भी बेस्ट है उसे अवार्ड मिले अच्छा रिएक्शन मिल रहा है जो चैलेंजिंग रोल मैं कर रहा हूँ उसके लिए जिस तरह का मैंने एक्सपेक्ट किया था रिएक्शन लोगों का तो उस हिसाब से अच्छा मिल रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग दे आर कमेंटिंग ऑन द स्टाइल स्वैग एंड इट्स नाइस इट फील्स गुड दैट जो करना था वो अचीव हो रहा है फैन से यही कहना चाहूँगा कि पिछले इतने सालों में बहुत सारा प्यार दिया है आगे भी देते रहें और मेरा शो है मुँह से छल किए जाए उसे देखें हिट बनाएं